हेलो विवान, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना, ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है, मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं और हमारा चल रहा था ग्रामीण विकास। तो हम ग्रामीण विकास को देख रहे थे, साख, कृषि नियंत्रण व्यवस्था, मंडी वंडी जो क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम लोग देख चुके थे। जैविक कृषि की हम लोग बात कर चुके थे, क्लियर है। आज बेसिकली आपका जो है, हमें इसमें मैंने कहा था कि एक बार आप पूरा घर से पढ़ के आना, किसी का कोई डाउट रहेगा, क्वेरी रहेगी तो मैं आपके लेक्चर में ले लूँगा। तो अगर किसी को डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार देख लीजिए, किसी कोई क्वेरी, किसी कोई डाउट है तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, देख लिया इतना आपने? या तो किसी बच्चे का कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमको इस लेक्चर के अंतर्गत आपका देखनी है कि हमने इन पूरे चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ा है, किन चीजों पर हमने जोर दिया है, उन चीजों को हम लोग आपका देखेंगे और आपका गौर भी करेंगे और इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो एक एक करके हम इन सारी चीजों को आपका अच्छे से आपका देख लेते हैं और एक एक करके जो है हम इन पर बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ग्रामीण विकास का अभिप्राय, कि ग्रामीण विकास का अभिप्राय क्या है, किसको कहेंगे कि ग्रामीण विकास क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, भैया ग्रामीण विकास क्या है मुझे बता दीजिए, तो आप मुझे कैसे समझाएंगे कि ग्रामीण विकास ये है? तो ध्यान दीजिए, ग्रामीण विकास का अभिप्राय उस विकास से है जो क्रमबद्ध योजना से है। क्रमबद्ध योजना से है, जिसके द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन में आर्थिक व सामाजिक विकास हो। क्या हो? आर्थिक और इन सारा विकास हो। लिखिए, इसके बाद हम लिखेंगे, ध्यान देंगे, ग्रामीण विकास के मुख्य तत्व क्या देखेंगे? ग्रामीण विकास के
चलिए अब हम इसकी बात करेंगे और ग्रामीण विकास के मुख्य तत्व। तो मुख्य तत्वों में एक एक करके हम सारे पॉइंटों को लिखते चलेंगे। जैसा पहला पॉइंट क्या है, भूमि के प्रति इकाई में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना। भूमि के प्रति इकाई में कृषि उत्पादक उत्पादकता को बढ़ाना। कृषि विपणन प्रणाली को सुधारना। कृषि विपणन प्रणाली को कृषि विपणन प्रणाली को सुधारना ताकि किसान को सुधारना बाकी किसान को उचित मूल्य मिल सके। क्या हो सके? ताकि किसान को उचित मूल्य मिल सके। ज्यादा मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा मिलना चाहिए। कृषि के विविधीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में साख ओब्लिक ऋण सुविधा को बढ़ावा देना चाहिए। अभी और पॉइंट है, पहले इन दोनों को आप पेजों को लिखिए। हो गया? चलिए कर लिया तो आगे बढ़े। अगले पेज को कॉपी करिए। एक सेकेंड, ये ले लीजिए, से कॉपी करिए। हो गया बच्चों? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि
एवं गैर कृषि कार्यों में लगे लोगों की गरीबी को कम करना। जैविक खेती को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य का सेवा का विस्तार करना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य का करिए। चलिए हो गया। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्रोत पहला है गैर संस्थागत ऋण और दूसरा है संस्थागत ऋण। दो प्रकार के ऋण आपको देखने के मिलेंगे, संस्थागत और गैर संस्था। अब देखिए गैर संस्थागत में कौन कौन आते हैं? जमींदार, साहूकार, आड़ती, दुकानदार, कमीशन एजेंट, मित्र, सगे सगे संबंधी, रिश्तेदार, ये क्या होते हैं? ये सब आपके जो है गैर संस्थागत
के अंदर देख लिया। अब हम संस्थागत ऋण में बात करिए, कौन कौन संस्थागत ऋण के लिए लोन देती है। तो संस्थागत ऋण में अगर आप बात करोगे, सबसे पहले आपके सामने आएंगी सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, क्या होंगी? भूमि विकास बैंक। अगली क्या होंगी? सहकारी बैंक। अगली क्या होंगी सहकारी बैंक के अलावा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। एक बैंक और आती है, आपने सुना होगा, वाणिज्यिक बैंक, या नाबार्ड को लिख लीजिए। और नाबार्ड सीधे लोन नहीं देती, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। और एक है स्वयं सहायता समूह। तो ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो आपका ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको ऋण दे। क्लियर है? ध्यान रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इन्हें घर जाकर रिवीजन करिए, पढ़िए। तब तक कम हो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।